नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत मतदान हो रहा है, तो वहीं पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे सभी प्रत्याशियों की नजर मतदान पर है। अब सभी प्रत्याशियों की निगाहें चुनाव के नतीजों पर हैं। इसी क्रम में प्राइम टीवी की टीम भी चुनाव पर नजर बनाई हुई है और गांव गांव जाकर लगातार प्रत्याशियों से बातचीत कर रही है। इसी क्रम में प्राइम टीवी की टीम बाराबंकी पहुंची, जहां से खेवली ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हाजी अनवारुल हक चुनाव मैदान में हैं। इनको जनता का समर्थन लगातार मिल रहा है। इन्होंने प्रधान न रहते हुए भी काफी काम किया है। गांव में चाहे मंदिर की बात हो या मस्जिद, हर मजहब के लिए बराबर काम किया है। जब आज प्राइम टीवी की टीम कवरेज करने पहुंची तो देखा गया कि मंदिर के पुजारी समेत गांव के लोग मंदिर पर इनकी जीत के लिए पूजा और दुआ मांग रहे थे। इन गांव वालों को इस बार हाजी अनवारुल हक से काफी उम्मीदें हैं। वह इस दौरान ग्रामीणों से बात की हमारे संवाददाता ने। त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान आज प्राइम टीवी की टीम एक बार फिर देवा ब्लॉक के खेवली ग्राम पंचायत पहुंची हुई है। यहाँ पर यहाँ का जो प्रधानी का चुनाव है बड़ा दिलचस्प चुनाव होता है। इस बार हाजी अनवारुल हक समेत कई दिग्गज प्रत्याशी मैदान में हैं। किस प्रत्याशी का वर्चस्व ज्यादा है क्षेत्र में, हम जानने के लिए हमारे साथ जनता मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं। बाबा नरसिंह द्वार मंदिर है यहाँ और इनके पुजारी से बातचीत करेंगे। बाबा जी, क्या माहौल लग रहा है, चुनावी समीकरण क्या लग रहा है इस बार? समीकरण देखिए, हमारे यहाँ वैसे चार कैंडिडेट चुनाव उसमें उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं, ठीक है, लेकिन दो को तो नहीं कह सकते हैं फिलहाल, और दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो काफ़ी संघर्ष का मामला है जी, आपसी संघर्ष का मामला है। जैसे श्री शोभन यादव पूर्व प्रधान जी हैं जी, और हमारे हाजी अनवर साहब हैं जी, और एक मौर्या जी हैं, और एक अभी नवयुवक हुए हैं विजय यादव जी, वो भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो क्या लग रहा है क्षेत्रीय माहौल, क्या लग रहा है? क्षेत्रीय माहौल वैसे बहुत बढ़िया चल रहा है जी, वैसे सब आपसी भाईचारे बना के सब लोग चल रहे हैं जी। किसका वर्चस्व लग रहा है क्षेत्र में? वर्चस्व तो हमारे श्री अनवारुल हक साहब जी का इस समय है, ज़्यादा ही दिख रहा है क्योंकि वो प्रिय हैं इस समय जी, लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं जी। और जो इधर अभी उन्होंने काम कराया है काफ़ी सराहनीय है, ठीक है। अभी इधर नरसिंह मंदिर देवस्थान की बाउंड्री वाल करवा के उन्होंने बहुत अच्छा है मिसाल काम किया है, और इसी के साथ पीछे हमारी करबला है, उसमें भी ईदगाह है जो काफ़ी सदियों से जर्जर ऐसे ही पड़ा था, उसकी भी मरम्मत उन्होंने करवाई है। यही सब नेक काम उन्होंने करवाया जिसकी वजह से आज वो अच्छा। अगर प्रधान हो जाते हैं तो क्या लगता है कि क्या क्षेत्र में बदलाव होंगे? काफ़ी विकास होंगे हमारी समझ से, तो अगर अभी जब वो मौजूदा है नहीं उस पीरियड में इतने नेक काम करवा रहे हैं, क्या चुनाव चिन्ह मिला है इस बार उनका? चुनाव निशान इन्हीं मिले हैं इस समय जी, और प्रधान हो जाने के बाद हमें लगा इससे अच्छा और इससे अच्छा कार्य वो करवाएंगे जी। अभी और भी ग्रामीण मौजूद हैं हमारे साथ, पुजारी जी मौजूद थे, और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसवार है, मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ जी, ठीक है। तो सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सारे जितनी भी जनता है ये सब हाजी अनवारुल हक उर्फ लंबू भैया का साथ दीजिए, क्योंकि विकास की ओर ये जा रहे हैं, इनके दिल में ये हिंदू मुस्लिम एकता है और ये हर तरीके से संयम और सच आदमी है। पर जनता से हमारी यही अपील है कि इनका चुनाव चिन्ह मिला है इमली, इमली सारे लोग वोट देकर विजय बनाए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, क्या लग रहा है पूर्व मौजूदा प्रधान हैं और ये हाजी अनवारुल हक भी पूर्व में प्रधान रहे जी, जी क्या लग रहा है टक्कर कैसी रहेगी? क्या टक्कर तो है सर, मगर इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि दोनों दिग्गज नेता हैं, इसमें जो भी लड़ाई होगी कांटे की लड़ाई है। अच्छा, हमारे शोभन जो प्रधान है उनके द्वारा क्या विकास कर रहे हैं? विकास उन्होंने भी कराया है, मगर ये वादा शोभन सिंह का था, ये जो मंदिर का उन्होंने बाउंड्री करवाई हाजी अनवारुल प्रधान ने जी, तो ये हम लोग की जानकारी में था कि इन्होंने जो है यहाँ पे आए थे तो इसका निर्माण उन्होंने उठाया था, मगर उनके नसीब में नहीं हुआ जी, ये हाजी अनवारुल हक उर्फ लंबू भैया के नसीब में था, उन्होंने ये करवाया। क्षेत्र में क्या विकास कार्य कराए? क्षेत्र में विकास हुआ है सर, काफ़ी हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर जो भी हुआ है सब ठीक हुआ है। और भी लोग मौजूद है भाई साहब, आपके क्या नाम है? मोहम्मद कहाँ रहने वाले? केवली के जी। क्या लग रहा है इस बार चुनावी समीकरण, क्या लग रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है,
और सर मान लो अनवारुल हक का मामला बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, और उनका पूरी तरह से पब्लिक सपोर्ट में है उनकी जी। और आने वाले समय पर फिर ऊपर वाला बताएगा क्या होगा जी, ठीक है। और उन्होंने कार्य अच्छे किए हैं, 10 साल प्रधान न रहने के बाद उन्होंने कार्य अच्छे किए हैं कि 10 लड़कियों की शादी उन्होंने करा दी, 50 लड़कियों करा दी, जिससे कोई गरीब आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है उनके लिए भी मदद की जितना हो सका, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ये गाँव ये मंदिर का मामला, अब उनका दिल में था कि हमको कराना है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं थी कि हम कुछ कितने अब कराएँ, उनको कराना था, करा दिया बस। जनता बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में। क्या चुनाव कितने अम्बली है जी, आप कहना को लेकर हमको मानना क्या, हम पहले भी साथ दिए थे, आज भी साथ दिए, हम मजदूर आदमी हैं, हमारा नरेगा जो था वो भी छीन लिया गया। किसने छीन लिया, किसने कहा, जो 10 साल प्रधान हुए वो छीन लिए गए। कौन से प्रधान, पहले लंबू थे उनके में हमारा काम चलता था जी, उसके बाद नरेगा तो सरकार हर किसी की दे रही है वो ठीक है, हम जानते हैं वो बंद नहीं है जी। हमें एको बार 10 साल में बुलाया नहीं गया काम जी, उसके बाद में लंबू के प्रधानी में पूरा 5 साल हमने काम किया जी। इस बार क्या मानना है, क्या लग रहा है? मानना है ये कि हम लंबू को वोट देंगे, पूरी जनता हमारी साथ दे रही है लंबू। आपका क्या नाम है, क्या मानना है चुनाव को लेकर? चुनाव हमारा नाम नरेंद्र यादव है जी। चुनाव शायद फंस रहा है, लेकिन नहीं, ये नासिक मंदिर जो बोंडी करा दी गई है जी, ये पहले तो शोभन प्रधान ने अपनी बोला था, बच्ची की कसम खा के कि बोंडी हम कराएंगे जी, लेकिन हाजी अनवारुल हक ने चुनाव को उल्टा न रखते हुए चुनाव से पहले ही करा दिया है। और ये हम लोग तो सभी लोग हाजी अनवारुल हक को वोट देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट हाजी अनवारुल हक को देंगे। अच्छा, आपका क्या मानना है भाई साहब? हमारा नाम है गणेश प्रसाद यादव जी। और जो हाजी अनवारुल हक हैं जी, वो गरीबों का नसीब है जी। 500 गरीब लड़कियों की शादी अपने पैसे से करा रहे जी, और कभी इससे पहले 5 साल प्रधान रहे जी, सरकार से जो पैसा आया वो पैसा गांव के विकास में लगाया, एक पैसा उसने अपने ऊपर नहीं खाया जी। और जो 10 साल प्रधान मौजूदा रहे हैं जी, वो आपस में सबको लड़ाने का कार्य किया। अच्छा, अगर आप दो भाई लड़ गए जी, तो दोनों को एक से कहा कि चोरी करो, एक से कहे जागत रहो, अगर चौके भेज गया तो वहाँ फोन करके बता दो मारना, तब तो 5,000 मिलेंगे। इसके अलावा कोई कार्य, आज पंडित जी समेत आप लोग आए हैं यहाँ पर पूजा करने, क्या किसके लिए दुआएं करने आए हैं? हम आजादी अनुवाद हक के लिए दुआएं करने आए हैं, और नरसिंह भगवान जी पूरी तरह छत्रछाया अनुवाद हक के साथ हैं जी, और गांव की पूरी जनता अनुवाद हक के साथ। उनका क्या चुनाव निशान है? चुनाव निशान इंडिया है, और वो बम्पर वोटों से जीतेंगे। निश्चित तौर पे हाजी अनवारुल हक एक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाइल कायम करने वाले इंसान हैं, और यही वजह है कि जो पब्लिक है वो लगातार चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो मंदिर पे आ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि इस बार जो हमारे प्रधान हैं, जो गांव के प्रधान हो वो हाजी अनवारुल हक हो। अगर हाजी अनवारुल हक प्रधान होते हैं तो क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। कैमरा इमरान। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई पड़ताल के साथ, तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।